बॉलीवुड इंडस्ट्री की धक धक गर्ल कही जाने वाली माधुरी दीक्षित वैसे तो अपनी डांसिंग और अपने अभिनय की वजह से हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती हैं, पर बहुत ही कम समय ऐसा आता है जब माधुरी दीक्षित की पर्सनल लाइफ को लेकर उन्हें ट्रोल या फिर ट्रेंड किया जाए। जी हाँ, माधुरी दीक्षित बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप 10 अभिनेत्रियों की लिस्ट में आती है। इसके बावजूद वो हमेशा ही अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना ही पसंद करती है। कभी भी माधुरी दीक्षित के फैमिली मेंबर ने माधुरी दीक्षित की पॉपुलर का फायदा उठाकर फिल्म इकट्ठी करने की कोशिश नहीं की है। वैसे हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग इंडस्ट्री में अपने माता पिता की पॉपुलैरिटी को देखते हुए वो इंडस्ट्री में और साथ ही जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, पर माधुरी दीक्षित के घर वालों में से आज तक किसी ने ऐसी हरकत नहीं की है, जिसकी वजह से लगातार माधुरी दीक्षित के फैमिली मेंबर को जनता और भी ज्यादा पसंद करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे तो डांसिंग क्वीन कही जाने वाली माधुरी दीक्षित हमेशा ही मीडिया की सुर्खियों से अपने आप को बचा कर रखती हैं, पर एक बार फिर से माधुरी दीक्षित के ना चाहते हुए भी मीडिया की सुर्खियों में उन्हें जगह मिल चुकी है। जी दोस्तों, आप सभी को पता होगा पिछले कुछ दिनों से मुंबई की माया नगरी में कोरोना का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लता मंगेशकर, करीना कपूर जैसे कई सारे दिग्गज अभिनेत्रियों ने इस बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, पर अब आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित भी अब कोविड से अपने आप को बचा नहीं पाई हैं। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि माधुरी दीक्षित भी कोविड पॉजिटिव हो गई हैं और जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया जा चुका है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि माधुरी दीक्षित की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों, माधुरी दीक्षित के बारे में जैसी ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने यह अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि माधुरी दीक्षित अब इस दुनिया में नहीं रही। फिलहाल आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित भी लता मंगेशकर की तरह अपना इलाज करवा रही हैं। हालांकि लता मंगेशकर अब कोविड नेगेटिव पाई गई हैं, इसके बावजूद उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस रिपोर्ट के बारे में, कमेंट के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई, इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।